अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी बीएनटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। एक खास खबर एसबीआई बैंक के मुतालिक, बारकस ब्रांच में लोगों की भीड़ देखी गई। बारकस में एसबीआई बैंक एम्प्लॉय और मैनेजर्स ने पैसे बैंक से निकालने पर कम कीमत अदा करने का मुतालिबा किया है। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि 20,000 रुपये निकालने तक के लिए 20 रुपये अदा करने होंगे। उससे जायद अगर कोई पैसे वसूले तो सीधे सीधे बैंक मैनेजर से बात करना होगा इस बारे में। साथ ही साथ उन्होंने एटीएम से मुतालिक भी बात कही है। एटीएम में पैसों के लिए हाल ही में एक खबर उठी थी जहां एटीएम में पैसे ना होने की वजह से आवारा कुत्तों का घर बन चुका था, जिसके बारे में वजाहत करते हुए उन्होंने मीडिया से खिताब किया। तफसीली रिपोर्ट नुमाइंदा सैयद इस्माइल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज हम SBI बैंक कैशीगुरी के जो ब्रांच है वहाँ पर आए, क्योंकि बैंक जो है कंजस्टेड है, बैंक छोटा है, एम्प्लॉयज़ कम है, टोटल एम्प्लॉयज़ 8 है, 8 में एक रिटायर्ड हो गए, एक जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए, बच्चे 6 में जो फीवर है बेचारे, बैंक बेचारा कुंभ खान साहब चला रहे हैं। और उसके बाद GHMC के जो एम्प्लॉयज़ है स्वीपिंग उनका भी आ जाएगा अमाउंट। उसके बाद जो है आसरा पेंशन जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना KCR साहब को सल्यूट है, KCR साहब को जो उन्होंने आसरा पेंशन डाले वो अमाउंट आ गया। ये पूरे अमाउंट आने से पूरा कस्टमर्स का रह जाएगा। अच्छा, फिर एक बात और एक अहम बात यह है कि हमारे SBI के ऑफिसर को सल्यूट है, उन लोगों ने 15 CSP सेंटर दिए, यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते, जिसको कस्टमर जो है आराम से बैंक में आने के बजाय भी वो सेंटर्स पे जाके अपने 20,000 के अंदर पैसे निकाल सकते, जिसमें बैंक के सामने जो है दयानी साहब के दोनों भाइयों का है, एक बैंक के अपोजिट है, एक जयदीप फंक्शनल के सामने है, एक मोहम्मद यावाज कंपनी सेना गुट्टे पे है, एक हमारा MIM ऑफिस दो बाजू में एक है, और एक नी सेवा सेंटर बोल के अखिल भाई बोल के बाकुमान हॉस्पिटल के बाद उनका एक है, सलाला में एक है, बिलेशरम के सामने। तो यहाँ पे टोटल 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट में 5-6 पॉइंट तो बिल्कुल अपने वॉकेबल डिस्टेंस है। उसमें लोगों का ये भी कहने का है ना कि पैसे लेते हो लोग ज्यादा बोल के, पता चला वो जैसे ही पता चला हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि आप मुझे आके कंप्लेन कीजिए, मैं जो भी कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो कोई लोग आगे बढ़ के आ रहे नहीं, वो लोग 20 रुपए लेने का हक है, 20 रुपए वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो चार्ज है उन लोगों का 20 रुपए से ज्यादा। 20,000 मतलब 20 रुपए की तो 100 को 20 रुपए या 1,000 को 20 रुपए ये बोलिए। 20,000 रुपए तक आप निकाले तो 20 रुपए लेना है। अच्छा, 20,000 निकाले तो 20 रुपए लेना है। मैं नहीं, खुद मैनेजर साहब बोल रहे, अगर उन्होंने ज्यादा ले रहे तो ठीक है, आप आइए उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई जो है जरूर हम जो है करवाएंगे। रही दूसरी बात, अभी हम जैसे ही बात करें तमाम लोगों ने CSP सेंटर को चले गए देने के लिए, कुछ लोग है वो काम चल रहा है। अब रीजनल मैनेजर से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर आपको आदाब है कि हम इससे पहले भी आपको बोले थे, नहीं था इससे पहले भी हम आपको बोले थे कि बाहर जो अपना ATM सेंटर है वहाँ पे कुत्ते वगैरह बैठ रहे हैं, और जहाँ जहाँ भी ATM में पैसे डाला तो आपने बेहतरीन पैसे से डला रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से कभी देते बोलते हमारी बस्ती का, आप इमीडिएट जो है हमारे मकबूल खान साहब आपको रिप्रेजेंटेशन दिए, मैं इनको दिया था उसको एक अप्रूवल दिए, तो यहीं के बस्ती का आदमी वहाँ पे बैठ जाता था और जो है ATM सेंटर पे आराम से वहाँ भी काम होता है, कुत्ते उत्ते जो घुस रहे हैं वो तमाम चीज़ें बंद हो जाती। और दूसरी चीज़ ये है, जो को हिंदू मुस्लिम खवातीन को नौजवानों को जो जो वहाँ गए तकलीफ हो रही बहुत तरह से बोले, तो यहाँ पे आके हम सबने बात की, बात के तो तमाम लोगों ने अल्लाह उनको अच्छा गए, CSP सेंटर से पैसे लेना शुरू कर दिए, जिसके लिए हम MPMLA साहब का, महमूद अलवर साहब का, अहमद अलमास साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर जो हमारे साथ मौजूद थे नायब सदर बारकस फेडरेशन फैसल बिन सईद बाम साहब, और हमारे असद बाम साहब, अफसर बिन जियाद साहब, महमूद बाना साहब, रशीद बाम साहब, अमर बाकरा साहब, और सालम बहलान साहब, खालिद बहलान साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।